नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा परमानेंट मोल्ड कास्टिंग के बारे में। अगर परमानेंट मोल्ड कास्टिंग के बारे में बात की जाए तो परमानेंट मोल्ड कास्टिंग इज अ मेटल कास्टिंग प्रोसेस दैट एम्प्लॉयज रीयूजेबल मोल्ड्स परमानेंट यूजुअली मेड फ्रॉम मेटल। यानी परमानेंट मोल्ड कास्टिंग में हमेशा जो मोल्ड होता है वो रीयूजेबल यानी दोबारा आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और अधिकतर वो मोल्ड मेटल का बना होता है। द मोस्ट कॉमन प्रोसेस यूजेस ग्रेविटी टू फिल द मोल्ड, हाउएवर गैस प्रेशर और अ वैक्यूम आर आल्सो यूज्ड। जनरली ग्रेविटी का इस्तेमाल किया जाता है मोल्ड को भरने के लिए, लेकिन गैस प्रेशर या वैक्यूम का भी इस्तेमाल कई बार किया जाता है। अ वेरिएशन ऑन द टिपिकल ग्रेविटी कास्टिंग प्रोसेस कॉल्ड स्लश कास्टिंग प्रोड्यूसेस हॉलो कास्टिंग्स। टिपिकल ग्रेविटी कास्टिंग प्रोसेस में थोड़ा सा अगर वेरिएशन कर दिया जाए तो उसे स्लश कास्टिंग कहा जाता है, और स्लश कास्टिंग का इस्तेमाल हॉलो कास्टिंग बनाने के लिए किया जाता है। कॉमन कास्टिंग मेटल्स आर एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड कॉपर अलॉयज। अदर मटेरियल्स इंक्लूड टिन, जिंक एंड लेड अलॉयज एंड आयरन एंड स्टील आर ऑल्सो कास्ट इन ग्रेफाइट मोल्ड्स। यानी कि नॉर्मली एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम या कॉपर के अलॉयज की कास्टिंग की जाती है, टिन, जिंक और लेड के अलॉयज की भी कास्टिंग की जा सकती है। इसके अलावा आयरन और स्टील की कास्टिंग भी ग्रेफाइट मोल्ड्स में की जाती है। टिपिकल प्रोडक्ट्स आर कंपोनेंट्स सच एज गियर्स, स्प्लाइंस, व्हील्स, गियर हाउसिंग्स, पाइप फिटिंग्स, फ्यूल इंजेक्शन हाउसिंग्स एंड ऑटोमोटिव इंजन पिस्टन्स। यानी नॉर्मली गियर्स, स्प्लाइंस, व्हील्स, गियर हाउसिंग्स, पाइप फिटिंग, फ्यूल इंजेक्शन हाउसिंग और ऑटोमोटिव इंजन पिस्टन्स बनाने के लिए परमानेंट मोल्ड कास्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर बात करी जाए परमानेंट मोल्ड कास्टिंग के टाइप्स की, तो सबसे पहला टाइप है ग्रेविटी प्रोसेस, दूसरा है स्लश कास्टिंग जो टिपिकल ग्रेविटी कास्टिंग प्रोसेस में थोड़ा सा वेरी करके होता है। नेक्स्ट इज लो प्रेशर परमानेंट मोल्ड कास्टिंग, और आखिरी है वैक्यूम सील्ड मोल्डिंग प्रोसेस। डिटेल में अगर इनको पढ़ें तो ग्रेविटी प्रोसेस बिगिंस विद प्री हीटिंग द मोल्ड टू 150 टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड, इट मींस 300 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 400 डिग्री फ़ारेनहाइट टू ईज द फ्लो एंड रिड्यूस थर्मल डैमेज टू द कास्टिंग। यानी कि ग्रेविटी प्रोसेस की सबसे पहली स्टेप होती है मोल्ड को 150 से 200 डिग्री सेल्सियस तक पहले हीट करना, इससे कास्टिंग को थर्मल डैमेज नहीं होता है और पिघली हुई धातु आराम से बह पाती है। द मोल्ड कैविटी इज देन कोटेड विद अ रिफ्रेक्टरी मटेरियल और अ मोल्ड वॉश विच प्रिवेंट्स द कास्टिंग फ्रॉम स्टिकिंग टू द मोल्ड एंड प्रोलॉन्ग्स द मोल्ड लाइफ। उसके बाद मोल्ड कैविटी में एक रिफ्रेक्टरी मटेरियल की कोटिंग की जाती है या फिर मोल्ड वॉश किया जाता है, जिसकी वजह से कास्टिंग मोल्ड में नहीं चिपकती और मोल्ड की लाइफ भी बढ़ जाती है। एनी सैंड और मेटल कोर्स आर देन इंस्टॉल्ड एंड द मोल्ड इज क्लैम्प्ड शट। अब अगर उसके बाद मेटल के कोर्स या फिर सैंड के कोर्स या जो कि होल बनाने के काम में आने वाले हैं उनको लगाना है, तो उनको इंस्टॉल किया जाता है और मोल्ड को बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। मोल्टन मेटल इज देन पोर्ड इनटू द मोल्ड। सून आफ्टर सॉलिडिफिकेशन द मोल्ड इज ओपन्ड एंड द कास्टिंग रिमूव्ड टू रिड्यूस चांसेस ऑफ हॉट टीयर्स। पिघली हुई धातु मोल्ड में डाली जाती है और जैसे ही धातु जम जाती है वैसे ही मोल्ड को तुरंत खोल दिया जाता है और कास्टिंग को
निकाल लिया जाता है जिससे कि हॉट टीयर्स ना बने। द प्रोसेस इज देन स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन बट प्री हीटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज द हीट फ्रॉम द प्रीवियस कास्टिंग इज एडिक्वेट एंड द रिफ्रेक्टरी कोटिंग शुड लास्ट सेवरल कास्टिंग्स। इस प्रोसेस को दोबारा स्टार्ट किया जाता है लेकिन मोल्ड को दोबारा से गर्म नहीं किया जाता क्योंकि पिछली कास्टिंग द्वारा जो हीट मिली मोल्ड को वो काफी होती है। उसके अलावा रिफ्रेक्टरी कोटिंग भी एक बार में खराब नहीं होती। बिकॉज दिस प्रोसेस इज यूजुअली कैरिड आउट ऑन लार्ज प्रोडक्शन रन वर्क पीसेज ऑटोमेटेड इक्विपमेंट इज यूज्ड टू कोट द मोल्ड पोर द मेटल एंड रिमूव द कास्टिंग। इस प्रोसेस का इस्तेमाल बहुत ज्यादा प्रोडक्शन के लिए किया जाता है इसी वजह से ऑटोमेटेड इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है मोल्ड में कोटिंग करने के लिए, पिघली हुई धातु को मोल्ड में डालने के लिए और पिघली हुई धातु को जमने के बाद कास्टिंग को मोल्ड में से निकालने के लिए। द मेटल इज पोर्ड एट द लोएस्ट प्रैक्टिकल टेम्परेचर इन ऑर्डर टू मिनिमाइज क्रैक्स एंड पोरोसिटी। द पोरिंग टेम्परेचर कैन रेंज ग्रेटली डिपेंडिंग ऑन द कास्टिंग मटीरियल। फॉर एग्जाम्पल जिंक अलॉयज आर पोर्ड एट अप्रॉक्सीमेटली 370 डिग्री सेंटीग्रेड वाइल ग्रे आयरन इज पोर्ड एट अप्रॉक्सीमेटली 1370 डिग्री सेंटीग्रेड। नॉर्मली मेटल को बिल्कुल कम पिघले हुए टेम्परेचर पे मोल्ड में डाला जाता है जिससे क्रैक्स और पोरोसिटी ना हो। पोरिंग टेम्परेचर की रेंज काफी हाई हो सकती है और वो डिपेंड करती है कास्टिंग मटेरियल के ऊपर। एग्जाम्पल है जिंक के अलॉयज का तापमान 370 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 698 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा जाता है जबकि ग्रे आयरन का टेम्परेचर रखा जाता है 1370 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टेम्परेचर का जो रेंज है वो काफी ज्यादा है। अब अगला टॉपिक है स्लश कास्टिंग। स्लश कास्टिंग इज अ वेरिएंट ऑफ परमानेंट मोल्डिंग कास्टिंग टू क्रिएट हॉलो कास्टिंग्स और हॉलो कास्ट। यानी स्लश कास्टिंग एक परमानेंट मोल्ड कास्टिंग का ही टाइप है और इसका इस्तेमाल हॉलो कास्टिंग बनाने के लिए किया जाता है। इन द प्रोसेस द मटेरियल इज पोर्ड इनटू द मोल्ड एंड अलाउड टू कूल अंटिल अ शेल ऑफ मटेरियल फॉर्म्स इन द मोल्ड। स्लश कास्टिंग में पिघली हुई धातु को मोल्ड में डाल दिया जाता है और उस पिघली हुई धातु को ठंडा होने दिया जाता है जब तक कि एक पतली शेल मटेरियल की ना बन जाए। द रिमेनिंग लिक्विड इज देन पोर्ड आउट टू लीव अ हॉलो शेल। जब उस धातु की एक परत जम जाती है मोल्ड में बाकी की पिघली हुई धातु को मोल्ड को पलटाकर निकाल लिया जाता है। द रिजल्टिंग कास्टिंग हैज गुड सरफेस डिटेल बट द वॉल थिकनेस कैन वेरी। इस प्रकार जो कास्टिंग मिलती है उसका सरफेस काफी अच्छा होता है लेकिन उसकी थिकनेस काफी वेरी कर सकती है। द प्रोसेस इज यूजुअली यूज्ड टू कास्ट ऑर्नामेंटल प्रोडक्ट्स सच एज कैंडल स्टिक्स लैंप बेसेस एंड स्टेट्यूटरी फ्रॉम लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल्स। ये प्रोसेस का इस्तेमाल नॉर्मली कैंडल की स्टिक्स या लैम्प का बेस या स्टेट्यूटरी बनाने के लिए किया जाता है। अ सिमिलर टेक्निक इज यूज्ड टू मेक हॉलो चॉकलेट फिगर्स फॉर ईस्टर्स एंड क्रिसमस। स्लश कास्टिंग जैसी टेक्निक का ही इस्तेमाल क्रिसमस और ईस्टर पे चॉकलेट के फिगर्स बनाने के लिए किया जाता है जो अंदर से हॉलो होती हैं। अब अगर बात की जाए कि स्लश कास्टिंग मेथड कितना पुराना है तो द मेथड वॉज डेवलप्ड बाय विलियम ब्रिटेन इन 1893 फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लेड टॉय सोल्जर्स। यानी स्लश कास्टिंग पहले
विलियम ब्रिटेन ने 1893 में लेड के टॉय सोल्जर्स बनाने के लिए किया था। इट यूजेज लेस मटीरियल दैन सॉलिड कास्टिंग एंड रिजल्ट्स इन अ लाइटर एंड लेस एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। स्लश कास्टिंग द्वारा जो कास्टिंग बनाई जाती है उसमें कम धातु का इस्तेमाल होता है और कास्टिंग हल्की होती है और सस्ती होती है। हॉलो कास्ट फिगर्स जनरली हैव अ स्मॉल होल वेयर द एक्सेस लिक्विड वॉज पोर्ड आउट। नॉर्मली कास्टिंग में एक छेद होता है जहां से एक्सेस लिक्विड मेटल को निकाल लिया जाता है। सिमिलरली अ प्रोसेस कॉल्ड स्लश मोल्डिंग इज यूज इन ऑटोमोटिव डैशबोर्ड मैन्युफैक्चर फॉर सॉफ्ट पैनल इंटीरियर्स विद आर्टिफिशियल लेदर वेयर अ फ्री फ्लोइंग पाउडर प्लास्टिक कंपाउंड इधर पीवीसी और टीपीयू इज पोर्ड इनटू अ हॉट हॉलो मोल्ड एंड अ विस्कस स्किन फॉर्म्स। स्लश मोल्डिंग जैसा प्रोसेस ही ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में डैशबोर्ड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वो डैशबोर्ड पीवीसी या फिर टीपीयू का बना होता है। एक्सेस स्लश इज देन ड्रेन्ड ऑफ, द मोल्ड इज कूल्ड एंड द मोल्डेड प्रोडक्ट इज स्ट्रिप्ड आउट। पीवीसी या टीपीयू को मोल्ड में डाला जाता है, एक पतली सी स्किन बन जाती है और एक्सेस मटेरियल को निकाल दिया जाता है। मोल्ड को ठंडा किया जाता है और उसके बाद मोल्डेड प्रोडक्ट को निकाल लिया जाता है। नेक्स्ट इज लो प्रेशर परमानेंट मोल्ड। लो प्रेशर परमानेंट मोल्ड कास्टिंग यूजेज अ गैस एट लो प्रेशर यूजुअली बिटवीन 3 and 15 PSI। इट इज अराउंड 2200 kilopascal टू पुश द मोल्टन मेटल इन टू द मोल्ड कैविटी। लो प्रेशर परमानेंट मोल्ड कास्टिंग में लो प्रेशर गैस का इस्तेमाल होता है। ज्यादातर गैस का प्रेशर 3 से 15 PSI यानी कि 20 से 100 kilopascal रखा जाता है और वो गैस पिघली हुई धातु को मोल्ड में डालने के काम आती है। द प्रेशर इज अप्लाइड टू द टॉप ऑफ द पूल ऑफ लिक्विड विच फोर्सेस द मोल्टन मेटल अप अ रिफ्रेक्टरी पोरिंग ट्यूब एंड फाइनली इनटू द बॉटम ऑफ द मोल्ड। लिक्विड पूल के ऊपर प्रेशर लगाया जाता है जिसकी वजह से पिघली हुई धातु रिफ्रेक्टरी पोरिंग ट्यूब में ऊपर जाती है और एंड में मोल्ड के नीचे तक चली जाती है। द पोरिंग ट्यूब एक्सटेंड्स टू द बॉटम ऑफ द लैडल सो दैट द मटेरियल बीइंग पुश्ड इनटू द मोल्ड इज एक्सेप्शनली क्लीन। पोरिंग ट्यूब नॉर्मली लैडल के बॉटम तक होती है जिससे कि जो मटेरियल मोल्ड में पहुंचाया जा रहा है वो काफी साफ हो। नो राइजर्स आर रिक्वायर्ड बिकॉज द अप्लाइड प्रेशर फोर्सेस मोल्टन मेटल इनटू कंपनसेट फॉर श्रिंकेज। लो प्रेशर परमानेंट मोल्ड कास्टिंग में राइजर का इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि जो प्रेशर फोर्सेस मोल्टन मेटल पे लगाई जाती है वो काफी होती है मेटल के श्रिंकेज को संभालने के लिए। यील्ड्स आर यूजुअली ग्रेटर देन 85% बिकॉज देयर इज नो राइजर एंड एनी मेटल इन द पोरिंग ट्यूब जस्ट फॉल्स बैक इनटू द लैडल फॉर रीयूज। नॉर्मली लो प्रेशर परमानेंट मोल्ड कास्टिंग की अगर इफिशियंसी की बात की जाए तो वो 85% से ज्यादा होती है क्योंकि यहां पर राइजर नहीं होता और अगर पिघली हुई धातु बचती है तो वो लैडल के अंदर वापस आ जाती है और उसको वापस से इस्तेमाल किया जा सकता है। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ लो प्रेशर परमानेंट मोल्ड कास्टिंग आर फ्रॉम एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम बट सम आर कॉपर एलॉयज। यानी बेसिकली एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का इस्तेमाल
लो प्रेशर परमानेंट मोल्ड कास्टिंग में किया जाता है, लेकिन कॉपर अलॉयज का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एडवांटेजेस इंक्लूड वेरी लिटिल टर्बुलेंस व्हेन फिलिंग द मोल्ड बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट प्रेशर व्हिच मिनिमाइजेस गैस पोरोसिटी एंड ड्रॉस फॉर्मेशन। लो प्रेशर परमानेंट मोल्ड कास्टिंग का एक एडवांटेज यह है कि जब पिघली हुई धातु को मोल्ड में डाला जा रहा होता है तब टर्बुलेंस काफी कम होती है, और उसका कारण है कि कांस्टेंट प्रेशर पिघली हुई धातु पे मेंटेन किया जाता है। इसकी वजह से पोरोसिटी और ड्रॉस का फॉर्मेशन नहीं होता। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आर अबाउट 5% बेटर देन ग्रेविटी परमानेंट मोल्ड कास्टिंग्स, यानी कि कास्टिंग की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो ग्रेविटी परमानेंट मोल्ड कास्टिंग के मुकाबले 5% अच्छी होती हैं। द डिसएडवांटेज इज दैट साइकिल टाइम्स आर लॉन्गर देन ग्रेविटी परमानेंट मोल्ड कास्टिंग्स। लो प्रेशर परमानेंट मोल्ड कास्टिंग का डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जो आपको समय लगता है कास्टिंग करने में वो ग्रेविटी परमानेंट मोल्ड कास्टिंग से ज्यादा होता है। नेक्स्ट इज वैक्यूम सील्ड मोल्डिंग प्रोसेस। वैक्यूम सील्ड मोल्डिंग प्रोसेस इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग मोल्ड्स यूटिलाइजिंग ड्राई सैंड, प्लास्टिक फिल्म एंड अ फिजिकल मीन्स ऑफ बाइंडिंग यूजिंग नेगेटिव प्रेशर और वैक्यूम। यानी वैक्यूम सील्ड मोल्डिंग प्रोसेस में ड्राई सैंड, प्लास्टिक की फिल्म और एक फिजिकल मीन्स ऑफ बाइंडिंग जो कि नेगेटिव प्रेशर या वैक्यूम द्वारा बनाया जाता है, इन तीनों चीजों का इस्तेमाल होता है। वैक्यूम सील्ड मोल्डिंग प्रोसेस विच इज ऑल्सो कॉल्ड वी प्रोसेस वॉज डेवलप्ड इन जापान इन 1971। सिंस देन इट हैज गेन्ड कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस ड्यू टू इट्स केपेबिलिटी टू प्रोड्यूस डायमेंशनली एक्यूरेट एंड स्मूथ कास्टिंग्स। वैक्यूम सील्ड मोल्डिंग प्रोसेस को वी प्रोसेस भी कहा जाता है और ये जापान में 1971 में डेवलप हुआ था। वी प्रोसेस काफी पॉपुलैरिटी गेन कर चुका है क्योंकि जो डायमेंशंस मिलते हैं कास्टिंग के वो काफी एक्यूरेट मिलते हैं और कास्टिंग काफी स्मूथ भी होती है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द वी प्रोसेस एंड अदर सैंड मोल्डिंग प्रोसेस इज द मैनर इन विच सैंड इज बाउंडेड टू फॉर्म द मोल्ड कैविटी। अब अगर वी प्रोसेस और बाकी के सैंड मोल्डिंग प्रोसेस के डिफरेंस के बारे में बात की जाए तो वी प्रोसेस और सैंड मोल्डिंग प्रोसेस में मेन अंतर है सैंड को बाउंड करने के तरीके में। इन वी प्रोसेस वैक्यूम ऑफ ऑर्डर ऑफ 250 टू 450 mmHg इज इम्पोज्ड टू बाइंड द ड्राई फ्री फ्लोइंग सैंड एनकैप्सुलेटेड इन बिटवीन टू प्लास्टिक फिल्म्स। वी प्रोसेस में 250 से 450 मिलीमीटर मरकरी नेगेटिव प्रेशर यानी वैक्यूम क्रिएट किया जाता है और उसका इस्तेमाल किया जाता है जो ड्राई सैंड है उसको बांधकर रखने में दो प्लास्टिक फिल्म के बीच में। द टेक्निक इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ अ मोल्ड कैविटी बाय वैक्यूम फॉर्मिंग ऑफ अ प्लास्टिक फिल्म ओवर द पैटर्न बैक्ड बाय अनबाउंडेड सैंड विच इज कॉम्पैक्टेड बाय वाइब्रेशन एंड हेल्ड रिजिडली इन प्लेस बाय अप्लाइंग वैक्यूम। यानी कि वैक्यूम सील्ड मोल्डिंग प्रोसेस में पैटर्न के ऊपर प्लास्टिक फिल्म रखकर मोल्ड कैविटी बनाई जाती है और उसके बाद अनबाउंडेड सैंड डाली जाती है और उसे कॉम्पैक्ट किया जाता है वाइब्रेशंस द्वारा
और वापस से वहां पर भी वैक्यूम लगाया जाता है। व्हेन द मेटल इज पोर्ड इनटू द मोल्ड द प्लास्टिक फिल्म फर्स्ट मेल्ट्स एंड देन गेट्स सक्ड जस्ट इनसाइड द सैंड वॉइड्स ड्यू टू इम्पोज्ड वैक्यूम वेयर इट कंडेंसेस एंड फॉर्म्स अ शेल लाइक लेयर। जब भी कभी मोल्ड में पिघली हुई धातु डाली जाती है तो सबसे पहले प्लास्टिक की फिल्म पिघल जाती है और वो पिघली हुई फिल्म मिट्टी के वॉइड यानी मिट्टी के छेद के बीच में घुस जाती है क्योंकि वहां पर वैक्यूम लगाया जाता है और वो प्लास्टिक की फिल्म एक शेल लाइक लेयर बना लेती है। द वैक्यूम मस्ट बी मेंटेन्ड अंटिल द मेटल सॉलिडिफाइज आफ्टर विच द वैक्यूम इज रिलीज्ड अलाउिंग द सैंड टू ड्रॉप अवे लीविंग अ कास्टिंग विद अ स्मूथ सर्फेस। नो शेकआउट इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड एंड द सेम सैंड कैन बी कूल्ड एंड रीयूज्ड विदाउट फर्दर ट्रीटमेंट। यानी कि जब तक धातु जमती नहीं है तब तक वैक्यूम या फिर लो प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है। जैसे ही धातु जमती है वैसे ही वैक्यूम को रिलीज कर दिया जाता है। इससे मिट्टी कास्टिंग के ऊपर से अपने आप हट जाती है और स्मूथ सरफेस मिलता है। शेक आउट इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं पड़ती और जो मिट्टी कास्टिंग में इस्तेमाल की गई है उसी मिट्टी को ठंडा करके बिना किसी ट्रीटमेंट के दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब अगर बात की जाए सीक्वेंस ऑफ प्रोड्यूसिंग वी प्रोसेस मोल्ड्स के बारे में तो पहला स्टेप है द पैटर्न इज सेट ऑन द पैटर्न प्लेट ऑफ पैटर्न बॉक्स। द पैटर्न एज वेल एज द पैटर्न प्लेट हैज न्यूमरस स्मॉल होल्स। दीज होल्स हेल्प द प्लास्टिक फिल्म टू अधेयर क्लोजली ऑन पैटर्न व्हेन वैक्यूम इज अप्लाइड। यानी कि पैटर्न को सबसे पहले पैटर्न प्लेट पर रख दिया जाता है और पैटर्न प्लेट पैटर्न बॉक्स का ही एक हिस्सा होती है। पैटर्न में और पैटर्न प्लेट में बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। प्लास्टिक फिल्म इन्हीं छेदों की वजह से बहुत अच्छे से पैटर्न से चिपक जाती है जब वैक्यूम अप्लाई किया जाता है। अ हीटर इज यूज्ड टू सॉफ्टन द प्लास्टिक फिल्म। प्लास्टिक फिल्म को नरम बनाने के लिए एक हीटर का इस्तेमाल होता है। द सॉफ्टन्ड प्लास्टिक फिल्म ड्रैप्स ओवर द पैटर्न। द वैक्यूम सक्शन एक्ट्स थ्रू द वेंट्स एंड दोज वेंट्स आर प्रेजेंट इन पैटर्न एंड पैटर्न प्लेट टू ड्रॉ इट सो दैट इट अधेयर्स क्लोजली टू द पैटर्न। यानी पिघली हुई प्लास्टिक फिल्म पैटर्न के ऊपर चिपक जाती है। वैक्यूम होने की वजह से पूरा का पूरा एयर वेंट्स के थ्रू बाहर निकल जाती है और वो प्लास्टिक फिल्म को बिल्कुल पैटर्न के ऊपर खींचकर चिपका देती है। डायग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो सबसे पहले यहां पैटर्न बॉक्स को टेबल के ऊपर रख दिया जाता है। पैटर्न बॉक्स एक डबल वॉल का हॉलो बॉक्स होता है। उसके बाद पैटर्न बॉक्स के ऊपर पैटर्न प्लेट को रख दिया जाता है। पैटर्न प्लेट पर होल्स को ड्रिल कर दिया जाता है। सेकेंड स्टेप में पैटर्न को स्प्रू के साथ पैटर्न प्लेट पर रख दिया जाता है। द मोल्डिंग बॉक्स इज सेट ऑन फिल्म कोटेड पैटर्न। मोल्डिंग बॉक्स को फिल्म कोटेड पैटर्न के ऊपर सेट कर दिया जाता है। द मोल्डिंग बॉक्स इज फिल्ड विद ड्राई सैंड। स्लाइट वाइब्रेशन कॉम्पैक्ट्स द सैंड। मोल्डिंग बॉक्स को सूखी मिट्टी से भर दिया जाता है और थोड़े थोड़े वाइब्रेशंस
उस मिट्टी को दबाने का काम करते हैं। नेक्स्ट सीक्वेंस इज लेवल द मोल्ड, कवर द टॉप ऑफ मोल्डिंग बॉक्स विद प्लास्टिक फिल्म, वैक्यूम सक्शन स्टिफन्स द मोल्ड। मोल्ड को लेवल किया जाता है, मोल्डिंग बॉक्स के टॉप को प्लास्टिक फिल्म से कवर कर दिया जाता है और उसके बाद वैक्यूम अप्लाई कर दिया जाता है। वैक्यूम सक्शन की वजह से मोल्ड सख्त हो जाता है। रिलीज द वैक्यूम ऑन द पैटर्न बॉक्स एंड मोल्ड स्ट्रिप्स इजीली। कोप एंड ड्रैग आर असेंबल्ड एंड मेटल इज पोर्ड। ड्यूरिंग पोरिंग द मोल्ड इज केप्ट अंडर वैक्यूम। आफ्टर कूलिंग द वैक्यूम इज रिलीज्ड, फ्री फ्लोइंग सैंड ड्रॉप्स अवे लीविंग अ क्लीन कास्टिंग। उसके बाद वैक्यूम को पैटर्न बॉक्स पे से रिलीज कर दिया जाता है और मोल्ड आसानी से निकल जाता है। उसके बाद कोप और ड्रैग को असेंबल किया जाता है और मेटल को पोर किया जाता है। मेटल को पोर करते वक्त मोल्ड में वैक्यूम रखा जाता है। धातु के जमने के बाद वैक्यूम को रिलीज किया जाता है। जैसे ही वैक्यूम को रिलीज किया जाता है वैसे ही जो सूखी मिट्टी है वो अपने आप निकल जाती है और एंड में बिल्कुल साफ कास्टिंग मिलती है। थर्ड स्टेप में हीटर को गर्म किया जाता है और उसकी गर्मी से ये प्लास्टिक फिल्म हीट होती है और फिर इस प्लास्टिक फिल्म को पैटर्न प्लेट के ऊपर डाल दिया जाता है। फिर वैक्यूम यहां से अप्लाई किया जाता है पैटर्न बॉक्स पे। जैसे ही वैक्यूम अप्लाई होता है वैसे ही ये प्लास्टिक फिल्म यहां पूरी अच्छे से चिपक जाती है। फिर नेक्स्ट स्टेप में कोप को पैटर्न प्लेट पर रखा जाता है और उसके बाद में यहां पर मिट्टी भरी जाती है और मिट्टी को शेक किया जाता है। अगली स्टेप में वापस से एक और फिल्म को हीट किया जाता है और कोप के ऊपर उसे डाल दिया जाता है और इस बार यहां से वैक्यूम अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप में पैटर्न प्लेट का वैक्यूम रिलीज कर दिया जाता है और कोप को बहुत ध्यान से रिमूव कर दिया जाता है पैटर्न प्लेट पे से। सेम इसी तरीके से ड्रैग को भी प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद कोप और ड्रैग को बिल्कुल सही अलाइन करके जोड़ दिया जाता है और यहां पर ये जो स्पेस मिली है ये कास्टिंग के लिए तैयार है। अब अगर इसी चीज को वीडियो के फॉर्म में समझा जाए तो पहली स्टेप में पैटर्न बॉक्स को टेबल पे रखा जाता है, उसके बाद पैटर्न प्लेट पैटर्न बॉक्स पे रखी जाती है और पैटर्न प्लेट में होल्स ड्रिल किए जाते हैं, उसके बाद स्प्रू के साथ में पैटर्न को पैटर्न प्लेट पे रखा जाता है, उसके बाद हीटर को ऑन किया जाता है और इस प्लास्टिक फिल्म को गर्म किया जाता है और इसको पैटर्न प्लेट के ऊपर डाल देते हैं। इस टाइप से यहां से वैक्यूम अप्लाई किया जाता है, उस वैक्यूम की वजह से ये प्लास्टिक फिल्म पूरी की पूरी इस टाइप से पैटर्न के ऊपर चिपक जाती है। फिर कोप को रखा जाता है, उसके बाद यहां पर मिट्टी भरी जाती है और इस कोप को वाइब्रेट किया जाता है जिसकी वजह से मिट्टी बैठ जाती है। वापस से एक और फिल्म को हीट करके कोप के ऊपर डाल दिया जाता है और वैक्यूम यहां पे इस बार अप्लाई कर दिया जाता है। फिर इस पार्ट को यानी कि कोप को बहुत ध्यान से पैटर्न प्लेट से हटा लिया जाता है।
लेकिन ये प्रोसेस करने से पहले वैक्यूम यहां से हटा लिया जाता है, पर यहां पर वैक्यूम मेंटेन किया जाता है। उसके बाद ड्रैग को भी इसी प्रकार तैयार किया जाता है, और यहां पर अब कास्टिंग के लिए आपका मोल्ड तैयार है। उसके बाद पिघली हुई धातु यहां से डालकर आराम से आप कास्टिंग कर सकते हैं। इस दौरान वैक्यूम आपको यहां पर मेंटेन करना पड़ता है। इस वैक्यूम को मेंटेन करने से ये जो प्लास्टिक फिल्म आपने लगाई थी, ये प्लास्टिक फिल्म बहुत अच्छे से इस मिट्टी में एब्जॉर्ब हो जाती है, और कास्टिंग का जो सरफेस होता है वो बहुत अच्छा मिलता है। ये आखिरी फाइनल कास्टिंग है। एंड में अगर वैक्यूम सील्ड मोल्डिंग प्रोसेस के एडवांटेजेस के बारे में बात किया जाए, तो इसके एडवांटेजेस हैं एक्सेप्शनली गुड डायमेंशनल एक्यूरेसी, गुड सरफेस फिनिश, लॉन्गर पैटर्न लाइफ, कंसिस्टेंट रिप्रोडक्टिबिलिटी, लो क्लीनिंग और फिनिशिंग कॉस्ट। मतलब डायमेंशनली बहुत एक्यूरेट अपने को कास्टिंग मिलती है, सरफेस फिनिश बहुत अच्छी होती है, पैटर्न की लाइफ काफी बढ़ जाती है, और बार बार सिमिलर डायमेंशंस के साथ कास्टिंग को प्रोड्यूस किया जा सकता है। क्लीनिंग और फिनिशिंग कॉस्ट बहुत ही ज्यादा कम आती है। आज इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।